हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीयूष वर्मा ऑफिशियल। वंस अगेन फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार एनटीए के द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी कोर्सेज 2022 कंडक्ट किए जा रहे हैं एग्ज़ाम्स। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, चूँकि आप लोगों को वेट था कि ये सर कब अप्लाई किया जाएगा कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि अभी के लिए एज पर द लेटेस्ट अपडेट एनटीए के ऑफिशियल जो वेबसाइट है सीयूईटी की, वहां पे आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैसे करना है मैं सारा का सारा जो है इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊँगा। आप बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। और साथ ही साथ यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि आपको पता है एनटीए सीयूईटी यूजी 2022 ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे कि शेड्यूल्ड था कि 5 अप्रैल 2022 से इसका फॉर्म अप्लाई होना था, लेकिन लिंक एक्टिव नहीं थी। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स में से पूछ भी रहते कि सर इसका जो लिंक है वो कब ओपन होगा, तो गुड न्यूज़ है, लिंक अभी एक्टिव हो रखी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पब्लिश किया था फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी 2022। और आपको पता है कि 13 जो आपके अलग अलग भाषाएँ हैं यानी कि मीडियम्स अक्रॉस इंडिया फॉर एडमिशन, उसमें कंडक्ट किया जाएगा फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सीबीटी मोड फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो आपको पता है कि इंडिया में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल इन अराउंड, अगर मैं बात करूँ तो 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और प्लस और भी है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि इसमें ऐड हो सकती हैं, एंड इन फ्यूचर स्टेट यूनिवर्सिटी भी इस एंट्रेंस के अंतर्गत अपने आप को इनरोल कर सकती हैं। तो फाइनली अगर देखा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इस साल अगर आपको एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो ये आपके लिए बेहतर विकल्प है। आप एनटीए के द्वारा ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जा रहा है उसके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 650 रुपये, जबकि आपका अदर बैकवर्ड क्लास या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसके लिए 600 रुपये यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांजिस्टर के लिए आपका 550, जबकि आपका जो है डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्टिंग डेट था वो आपका 6 अप्रैल 2022 यानी इस डेट से स्टार्ट है। पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो शेड्यूल था एक्सपेक्टेड था कि 5 अप्रैल 2022 तक ये मतलब होगा, बट एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन इस 6 अप्रैल 2022। नाउ लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो है आपका 6 मई 2022। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अभी के लिए एडमिट कार्ड कब अनाउंस किया जाएगा और एग्जामिनेशन डेट जो है बेसिकली, तो ये आपको बाद में इन्फॉर्म एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे कर दिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ जुलाई 2022 आप मान के चलो कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अब यहाँ पर जो है एज लिमिट इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो cuet.samarth.ac.in ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, और इसका जो है ये होम पेज है। मैं स्क्रॉल करते हुए इस नीचे आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से आपका ये पेज दिख रहा है। अब आपको पब्लिक नोटिस यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा है, ये पब्लिक नोटिस भी अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हो जो कि 6 अप्रैल 2022 को पब्लिश की गई है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्या करना है। बट मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपने कहाँ से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी हेल्प डेस्क इंपॉर्टेंट लिंक ऐसे दे रखा है। तो आपको यहाँ पर जो कैंडिडेट एक्टिविटी है इसी में आपका न्यू रजिस्ट्रेशन / लॉगिन लिखा हुआ है, तो आपको इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, तो आपका यहाँ पर देखिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये आ रहा है। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया लगे कि जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्स है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत है, आप देख सकते हो। और इसके साथ ही साथ आपको इसको केयरफुली रीड करना है सारे इंस्ट्रक्शंस, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर सीयूईटी यूजी 2022 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। ओके, तो अब सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका वेबसाइट
ये वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे सर्च कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप क्या करना है आपको कि यहाँ पर स्टेप वन जो है आपका, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, एंड देन आप अप्लाई कर सकते हो लॉगिन करने के बाद। उसके बाद आपका जो है अपना इमेज जो है ऑफ कैंडिडेट्स, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, क्लास 11th इक्विवेलेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है, ये सारे के सारे अप्लाई आप उसमें अपलोड करने होंगे। उसके साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है आपको पढ़ने के बाद ही ये सारा प्रोसीजर करना है। स्टेप थ्री आपका फिर फाइनल जो स्टेप होगा वो होगा आपका फी पेमेंट। तो इस तरह से आपको ओवरऑल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, यदि कोई आपको डाउट है कि सर जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के पूछ सकते हो, मैं उन सभी क्वेश्चंस, उन सभी क्वेरीज का आंसर दूंगा। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर।